थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉवरेनिटी के जो कॉन्सेप्ट है इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इस टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो और अपने नोट्स बनाने के लिए भी कर सकते हो कि हमें किस डायरेक्शन में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। गेटिंग तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन क्वेश्चन के बेसिस पे ही मैं अपने लेक्चर्स बनाती हूँ ताकि आपको रेडी टू राइट मटेरियल मिल सके, रेडी टू राइट कंटेंट मिल सके। सो दिस इज़ द माई मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट द रेडी टू राइट कंटेंट। आई होप यू विल इंजॉय द टूडेज लर्निंग। एंड हाई गाइज, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ये मैंने इतने सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आज मैं डिस्कस करूँगी थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी। तो पार्ट वन का जो वीडियो है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगी और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी। आप जाकर पार्ट वन देख सकते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के डिस्कशन में, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी पे आज हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी या जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसे लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो जब इस थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, मोनिस्टिक थ्योरी या जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को, तो कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स आएंगे, जो जैसे कि डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर क्या है, पॉजिटिव लॉ क्या है, या पॉजिटिव लॉ के जो फोर एलिमेंट्स कमांड सैंक्शन ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी क्या है, ये कुछ कीवर्ड आएंगे। आई एम सो हैप्पी कि अभी आपको ये सारे पॉइंट्स को हम जैसे एजुकेटर्स आपको फोकस करके पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आपको दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। बट जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो ये ऑनलाइन लर्निंग इतना पॉपुलर नहीं था और बुक्स में हमें समझ में नहीं आता था ये डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर क्या है, पॉजिटिव लॉ क्या है। तो हम सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जब लिखते थे तो बहुत ही जनरल आंसर लिख देते थे, सीरियसली। तो मैं नहीं चाहती कि सेम चीज़ आपके साथ हो, और आप कोशिश करिएगा की वर्ड्स पर ध्यान रखने की, राइट। तो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसे जॉन ऑस्टिन या लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहते हैं, इसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कहते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हमने देखा था कि ये सुप्रीम पावर होती है स्टेट की टू इशू द कमांड्स एंड लॉ, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सारी, तो मोनिस्टिक थ्योरी पहली थ्योरी थी जो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डेवलप किया गया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था इस कॉन्सेप्ट को, इस नोशन को, राइट। तो इसे क्लासिकल थ्योरी हम कहेंगे इसको, या दूसरा है लीगल कैरेक्टर। जो मोनिस्टिक थ्योरी है दिस इज लीगल इन कैरेक्टर। लीगल क्यों है? क्योंकि इस जो ये सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है या सुप्रीम विल का कॉन्सेप्ट है, ये विल किस कंटेक्स्ट पे भी बात की गई है, लीगल कंटेक्स्ट पे या लॉ के पर्सपेक्टिव पे, कि लॉ को इशू करना, लॉ को बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, ये सारे जो इससे रिलेटेड एरियाज हैं ये किसके पावर में, किसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। एंड दिस इज़ अनडिवाइडेड, दिस इज़ ऑब्सोल्यूट। ये जो लॉ की, लॉ से रिलेटेड पावर है, ये ऑब्सोल्यूट है स्टेट के पास। तो ये लीगल इन कैरेक्टर है, राइट। कि ओवरऑल ये सॉवरेनिटी की थ्योरी कहाँ पर बेस्ड है? लॉ से संबंधित। इसके बाद से आप देखोगे कि मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, जिसमें सॉवरेनिटी को ऑब्सोल्यूट माना है। ऑब्सोल्यूट माना है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई लिमिट नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस पावर को स्टेट की। यूनिवर्सल, इनएलिएबल, इंडिविजिबल, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में डिटेल में डिस्कस किया है। जब इसका आप कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का पार्ट वन देखेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में मिलेंगे। मैं यहाँ पर मोनिस्टिक थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ तो मैं ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पार्ट वन देखकर ऑलरेडी आए होंगे यहाँ पर।
तो ये जो आपकी मोनिस्टिक थ्योरी है, इसका डेवलपमेंट होता है अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास। बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, ये सारे जो एक्सपोनेंट हैं, ये सारे क्या कर, इन्होंने जो लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है इसे सपोर्ट किया है। तो इन स्कॉलर्स का नाम ज़रूर आपके आंसर में होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपिक समझना ठीक है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपने आंसर को कैसे लिख रहे हो, कितने पॉइंट्स ऐड ऑन कर पा रहे हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन थी मोनिस्टिक थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब हम मेन समझेंगे जॉन ऑस्टिन के व्यू क्या हैं। तो जॉन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 19th सेंचुरी में जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, जिन्हें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट माना जाता है मोनिस्टिक थ्योरी का, राइट? अब जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो ये सवरेन पावर है, जो ये सुप्रीम पावर है ना, ये हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कहते हैं, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में, स्टेट में, एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे वो डिटर्मिनेट ह्यूमन पर्सनालिटी कहते हैं, या डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर कहते हैं इस अथॉरिटी को। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसको, जो पब्लिक है ना, आम पब्लिक, जो मास जिसे हम कहते हैं, उसका एक मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन उसे ओबे करता है, उसके लॉ को, ठीक है? तो ये हर एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तो ऐसी अथॉरिटी होती है वहाँ पर, जिसको जॉन ऑस्टिन क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा। तो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर आपको जब वर्ड मिले, तो इसका ये मतलब है कि यह स्टेट की या पॉलिटिकल कम्युनिटी की वो अथॉरिटी है जिसको लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओबे करती है, और ये जो ओबेडियंस है ये ना, ये फोर्सफुली है, या यू कैन से दैट कि इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये टेम्पररी नहीं है कि कुछ समय के लिए ओबे कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बेसिक इनके समझ में आया जो जॉन ऑस्टिन कहना चाह रहे हैं। तो जो जॉन ऑस्टिन की कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है, ये डिपेंड करता है जो लॉ के बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। जैसा आपको पता है कि जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे, तो उनके व्यूज़ हैं वो लॉ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है वो भी कहाँ से डराइव की है उन्होंने, जो उनके कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ था। तो सबसे पहले हम उनके कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को समझेंगे, तभी आप जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को समझ पाओगे। तो जॉन ऑस्टिन के जो व्यूज़ हैं लॉ के रिगार्डिंग में, वो अपनी बुक लेक्चर ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस, जो 1832 में पब्लिश हुई थी, उस पे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे रिगार्डिंग टू लॉ। अब इस लॉ को वो कहते हैं पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ आप कहें, अब पॉजिटिव लॉ, अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फर्दर देखते हैं। तो ये जो लॉ की आइडिया है, लॉ पे इतना फोकस क्यों किया था जॉन ऑस्टिन ने? तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो स्टेट है ना, ये एक लीगल सिस्टम का ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर है। स्टेट क्या है? पूरा स्टेट एक तरीके से लॉ सिस्टम है, राइट? और उस लॉ सिस्टम में एक सुपीरियर अथॉरिटी, एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, और जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इसको कई सारे नाम यूज़ किए हैं जॉन ऑस्टिन ने। सुप्रीम अथॉरिटी को आप देखोगे, कहीं कहीं वो सवरिन कहेंगे, कहीं कहीं डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर कहेंगे, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड कुल मिलाकर किसे कह रहे हैं जॉन ऑस्टिन? जो सवरिन पावर है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है पॉलिटिकल कम्युनिटी की। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि स्टेट क्या है? एक लॉ का सिस्टम है, और वहाँ पर एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो इन लॉ को कमांड दे रही है, या इन लॉ को इश्यू कर रही है। तो जो स्टेट है, सुप्रीम अथॉरिटी है, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। कहीं और से पावर नहीं आ रही है, कहीं और से लॉ नहीं आ रहे हैं, लॉ का सोर्स क्या है? ये सुप्रीम अथॉरिटी, और इसी के लिए इसे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि इसने सिर्फ स्टेट को माना है सोर्स ऑफ लॉ। रिलीजन, कस्टम्स, प्रैक्टिस, ट्रेडिशंस, इन सारी चीज़ों को इसने डिनाई कर दिया है।
इसीलिए सबसे ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ हैं जो हम अपने कस्टम्स, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपने अपने जो कस्टमरी लॉ हैं, राइट, उनसे निकालते हैं। बट जॉन ऑस्टिन, आप देखोगे जब हम इनके लॉ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, तो लॉ को सबसे पहले ये डिफाइन कैसे करते हैं। लॉ क्या है? कमांड है जो किसके द्वारा दिया गया है? सुपीरियर के द्वारा। किसको? इन्फीरियर को, सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा। तो लॉ को ये क्या कहते हैं? कानून क्या है? आदेश है। और ये आदेश उस सुपीरियर अथॉरिटी का है जो अपने से इन्फीरियर लोगों को दिया गया है। ये लॉ है जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। और यही लॉ, यही कमांड जो कानून और आदेश है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ पावर, दिस इज़ द सोर्स ऑफ लॉ, सिंपल ये कहते हैं। तो जब ये लॉ की मीनिंग देते हैं जॉन ऑस्टिन, तो इस एक्सप्लेनेशन में जो नेचुरल लॉज है ना, उनको रिजेक्ट करते हैं जॉन ऑस्टिन। क्योंकि जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ क्या है? सुपीरियर, जो सुपीरियर पर्सन है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, उसका कमांड है। तो नेचुरल लॉज, या नेचुरल लॉज में वो सारे लॉज आ जाते हैं जैसे मोरल वैल्यूज, मोरल लॉज, एथिकल लॉज, रिलीजियस लॉज, या अदर सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स प्रैक्टिसेस, ये नेचुरल लॉज में आते हैं। और जॉन ऑस्टिन ने इन्हें रिजेक्ट किया है। और उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं जॉन ऑस्टिन कि नेचुरल लॉ क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों केवल सुपीरियर अथॉरिटी के कमांड को ही लॉ माना जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हमें सोसाइटी में, बेसिकली जो वो सोसाइटी की बात करते हैं, वो यूरोपियन सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो अगर हमें यूरोपियन सोसाइटीज़ में पॉजिटिव चेंज लाने हैं, प्रोग्रेसिव बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एक इस लॉ सिस्टम पे डिपेंड होना होगा। एक हमें सिस्टमेटिक लॉ का एक कोहरेंट सिस्टम डेवलप करना होगा, राइट? और हमें जो ये मोरल लॉज हैं, जो एथिकल लॉज हैं, एथिक्स, रिलीजन, सोशल नॉर्म्स, जिन्हें नेचुरल लॉज कह रहे हैं, इनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि नेचुरल लॉज के थ्रू हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज, साउंड चेंज नहीं ला सकते हैं भाई। जब जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, हम एक सोशल नॉर्म्स का लेते हैं, तो कोई जैसे सोशल इल्स प्रेजेंट होती है ना, सोशल इवेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे इंडिया में मान लीजिए सती प्रथा लागू थी। हम एक सती प्रथा के एग्जांपल को लेकर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। इंडिया में क्या था? सती प्रथा लागू थी। ये सोशल नॉर्म्स था, सती प्रथा। आप जानते हो कि सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा एक सोशल नॉर्म्स था इंडियन सोसाइटी में, तो ये नेचुरल लॉ का हिस्सा हो गया। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि क्या ये इस तरीके के सोशल नॉर्म्स क्या गुड हैं सोसाइटी के लिए? नहीं है। तो जो स्टेट है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, उसको कमांड इशू करना होगा, लॉ बनाना होगा, ताकि हम इस पे चेंजेस ला सकें। और इसमें चेंजेस लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं। और जो सुपीरियर अथॉरिटी है, उसके कमांड के द्वारा ही हम इस सोशल नॉर्म्स को ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल सा ये एक, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो जॉन ऑस्टिन के लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जॉन ऑस्टिन का जो ये डिवीज़न है, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। लॉ को क्लासिफाई, पहले तो उन्होंने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव लॉ को माना। तो लॉ को वो दो कैटेगरी में रखते हैं, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। डिफरेंस क्या है दोनों में? जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो पॉजिटिव लॉ है ना, ये पॉलिटिकल सुपीरियर, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जैसे हम सवरिन कह रहे हैं, ये क्या है? इसके द्वारा इशू किए गए हैं, इसके कमांड्स हैं। और इसके फोर एलिमेंट्स होते हैं पॉजिटिव लॉ के: कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी एंड सवरेनिटी। सवरेनिटी क्या है? क्योंकि इस कमांड को, इस लॉ को, जो पॉजिटिव लॉ है, इसको सुप्रीम अथॉरिटी ने इशू किया है। ये ड्यूटी क्यों है? क्योंकि लोगों की ड्यूटी है इसे ओबे करना, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा इसे इशू किया गया है। सैंक्शन, जो लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो एक सैंक्शन फोर्स है इसके पीछे। कमांड, सुप्रीम अथॉरिटी का ये कमांड है, आदेश है, राइट? तो ये फोर एलिमेंट्स
हैं पॉजिटिव लॉ के जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया है। पॉजिटिव मोरालिटी क्या है? ये पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, चाहे वो कस्टमरी कस्टम के थ्रू प्रैक्टिस किए जा रहे हो या सोशल नॉर्म्स के थ्रू प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो जॉन ऑस्टिन फोकस किस पे करते हैं? पॉजिटिव लॉ पे। और जॉन ऑस्टिन को जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आप ये पाओगे कि जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी में ये पॉजिटिव लॉ का सिस्टम डेवलप करना बहुत एसेंशियल है, तभी उस सोसाइटी पे आप साउंड या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और बिना पॉजिटिव लॉ के आप किसी भी सोसाइटी में साउंड चेंजेस नहीं ला सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये था लॉ का कॉन्सेप्ट जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। अब ये साउंड पॉलिटिकल सिस्टम या पॉजिटिव लॉ बनाने के लिए ही जॉन ऑस्टिन ने ये सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। कि सवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है जो इन लॉ को इशू करती है, लॉ को सैंक्शन करती है, कमांड देती है, लॉ सिस्टम बनाती है। सिंपल सा ये है। तो जॉन ऑस्टिन अपने थ्योरी ऑफ सवरेनिटी को समराइज करते हैं कुछ लाइंस पे, और हो सके गाइस तो ये स्टेटमेंट एनी हाउ आप मेमोराइज कर लेना, रट लेना, और अपने आंसर पे इसको एज इट इज़ लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वैल्यू, ह्यूज वैल्यू एडिशन करेगा आपके आंसर में। तो जॉन ऑस्टिन, अब जो अभी तक हमने समझा है जॉन ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को, सवरेनिटी को, उसको समराइज़ करते हैं कुछ लाइंस में। ये जॉन ऑस्टिन के वर्ड में ही हम लोग देखते हैं। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो ये डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर जो सवरिन है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो लॉ इशू करती है, उसे नाम दिया है डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि ये डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर को जो ओबेडियंस मिलता है, जो इसके कमांड्स, आदेश, इसके लॉ को ओबे किया जाता है, दैट इज आउट ऑफ हैबिट, राइट? क्योंकि मेजर सैंक्शन सोसाइटी में प्रोग्रेसिव चेंज लाना है, एवरीबडी इज एग्री फॉर दैट, राइट? और ये आउट ऑफ हैबिट है, और ये बल्क ऑफ द सोसाइटी से मिलता है। अच्छा, आगे जॉन ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंप्लीट सोसाइटी उसे ओबे करे, बट बल्क ऑफ द गिवन सोसाइटी होना चाहिए, मेजोरिटी के द्वारा उसे ओबे किया जाना चाहिए, राइट? तो ये हो गया जॉन ऑस्टिन का लॉ का कॉन्सेप्ट, सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। अब अगर इन सारे डिस्कशन को हम पॉइंट्स में लिखना शुरू करें, जो हमने अभी तक की अंडरस्टैंडिंग की है, कि इनसे हमें क्या पता चलता है कि जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सवरेनिटी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लॉ का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझ लिया, तो अब हम जो सवरेनिटी की थ्योरी दी है जॉन ऑस्टिन ने, उसके मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में एक सुप्रीम अथॉरिटी प्रेजेंट होती है जो कमांड देती है, लॉ बनाती है, और ये सुप्रीम अथॉरिटी कोई एक पर्सन हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है, मतलब या तो एक पर्टिकुलर पीपल होगा, पर्टिकुलर पर्सन होगा, या तो ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जो ये सुप्रीम अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, या ये सुप्रीम अथॉरिटी जिसे हम नाम दे रहे हैं। तो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, राइट? जो ये सवरिन पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमांड देने का काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सवरेनिटी में ये है कि ये जो डिटर्मिनेट पर्सन है या डिटर्मिनेट पर्सन्स की बॉडी है, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ द सुप्रीम पावर है। दे आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर, दे आर द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, राइट? तो सारे लॉ, सारी पावर कहाँ से डिराइव की जाती है? इस सुप्रीम अथॉरिटी से, जिसे जॉन ऑस्टिन बार बार क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि ये जो डिटर्मिनेट सुपीरियर पर्सन है, डिटर्मिनेट अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सवरिन है, इसको किसी भी लॉ के द्वारा, किसी भी कस्टम्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता,
राइट, सो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ कंट्रोल. ये उस इस कॉन्सेप्ट के जस्ट अपोजिट है. जैसे हमारे मनुस्मृति कौटिल्य में आप देखोगे कि जो किंग होता था, जो रूलर होता था, जो सवरीन पर्सन होगा, उसको किसके अंडर में रखा गया था, किसके कंट्रोल में? धर्म के कंट्रोल पे रखा गया था. उसका अपना राज धर्म होगा, राइट, उसको धर्म के अंडर में ही रहकर काम करना था, कंट्रोल किया जा रहा था धर्म के द्वारा. मेडिवल टाइम पे आप देखेंगे कि जो स्टेट है, मोनार्की है, उसको चर्च के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, रिलीजन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था. तो जब ये सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो मोनिस्टिक थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी है, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि इस सवरेन पावर पे, सुप्रीम अथॉरिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ना तो रिलीजन का, ना सोशल नॉर्म्स का, ना कस्टम्स का, किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, राइट. दिस नेक्स्ट है कि सवरेन जो है, ये इसे हैबिचुअल ओबीडियंस रिसीव करना करता है, कहाँ से? जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है. अब हैबिचुअल ओबीडियंस का क्या मतलब है? कि ये जो ओबीडियंस है, दिस इज द मैटर ऑफ हैबिट, नॉट द मेयर ओकेजनल. अब हैबिट क्या होती है? जिसे हम परमानेंट करते हैं, अपनी हैबिट्स, हैबिट्स जो बाय डिफॉल्ट होती रहती हैं. कहते हैं ना, दिस इज माय हैबिट, क्या करूं, हो जाता है मुझसे. तो जो इस सुपीरियर अथॉरिटी, पॉलिटिकल जो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, इसको जो ओबेडियंस मिल रहा है, इसके आदेश का जो अनुपालन हो रहा है, दैट इज मैटर ऑफ हैबिट. ऐसा नहीं है कि आज किया हमने उसको ओबे, कल नहीं करेंगे, परसों फिर करेंगे, फिर नहीं करेंगे, मेरी मर्जी. नहीं, आपको ये जो ये ओबेडियंस है, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज द मीनिंग ऑफ हैबिचुअल ओबेडियंस. तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, जिसको मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. दो वर्ड यहाँ पे स्टूडेंट बार बार मुझसे पूछते थे जब मैं लेक्चर लेती थी, क्लास में लेती हूँ. तो पहला तो ये कि मैम, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर क्या है, और ये हैबिचुअल ओबीडियंस का क्या मतलब है? तो आई होप कि अब दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे. डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर मतलब सवरेन बॉडी, सुपीरियर अथॉरिटी, जिसे हम सवरेन कहते हैं, और हैबिचुअल ओबीडियंस कि उस सुप्रीम अथॉरिटी को जो ओबीडियंस मिल रहा है, जो उसके आदेशों का पालन हो रहा है, वो मैटर ऑफ हैबिट है. वो ओकेजनल नहीं है कि कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस. गेटिंग इट? तो ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए हैं. नेक्स्ट है, जॉन ऑस्टिन कहते हैं सवरेनिटी की थ्योरी में अपने, कि जो कमांड है डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर के, अब डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर फिर से वर्ड आ गया, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सुप्रीम अथॉरिटी की बात कर रहा है, वो अथॉरिटी जो ऑब्सोल्यूट है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट. और वो ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी के जो कमांड है, दीज आर द एसेंस ऑफ लॉ. क्योंकि जॉन ऑस्टिन ने अपने जब लॉ की डेफिनेशन दी थी, तो क्या कहा था? कि लॉ इज द कमांड ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी. तो जो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, सुप्रीम अथॉरिटी, उसके कमांड ही तो लॉ हैं, उसके आदेश ही तो लॉ हैं. और इसी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को, जो क्रिटिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को पकड़ा है. अभी हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन में देखेंगे इस पॉइंट को. ओके, तो ये नेक्स्ट एक पॉइंट और है जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी है, जो सवरेनिटी की है, कि जो सवरेन पावर है, ये इनडिविजिबल है. मतलब सवरेन पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. क्योंकि जैसे ही आप सवरेनिटी या सुप्रीम अथॉरिटी को डिवाइड करने जाओगे, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगी, फिर वो तो सवरेनिटी और सुप्रीम पावर बची ही नहीं ना. सुप्रीम पावर तो मतलब यही है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक सिंगल अथॉरिटी में, या ग्रुप ऑफ पीपल जो एक बॉडी बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं उस पे, राइट. जैसे ही इसको दूसरे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इसके, ये बचेगी ही नहीं. तो ये इनडिविजिबल है. और जब नेक्स्ट थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को पकड़ा था, और इसी के अगेंस्ट में उन्होंने थ्योरी दी थी, प्लूरलिस्ट थ्योरी, कि नहीं, सवरेनिटी का कॉन्सेंट्रेशन एक ग्रुप, ये जिसे हम सुप्रीम अथॉरिटी कह रहे हैं, उस पर नहीं है.
सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की भी अपनी ऑटोनॉमी है, राइट? तो वो हम अभी देखेंगे जब प्लूरलिस्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तो आई होप कि जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ समझ में आ गया, और उसके बेसिस पे ही आपको जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सवरेनिटी समझ में आ गई। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब मैं जॉन ऑस्टिन का लॉ पढ़ा रही थी यहाँ पर ना, कि अगर पॉजिटिव चेंजेस, साउंड चेंजेस लाने हैं तो हमें नेचुरल लॉज को रिजेक्ट करके हमें पॉजिटिव लॉ बनाने होंगे, और पॉजिटिव लॉ क्या थे? सुप्रीम अथॉरिटी के कमांड थे। तो इसी इसी के बेसिस पे ही उन्होंने थ्योरी ऑफ पूरी सवरेनिटी दी है। इस सवरेनिटी में उन्होंने पूरे पॉइंट्स, आप देखोगे सब क्या कह रहे हैं, सबसे एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि सोसाइटी में सिर्फ एक अथॉरिटी है जिस पर सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी अथॉरिटी का नाम दिया है डिटर्मिनेट सुपीरियर ह्यूमन, डिटर्मिनेट अथॉरिटी। तो सारी पावर एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसका कारण क्या था, आपने ये भी समझ लिया, क्योंकि अगर हमें यूरोप में जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, जो एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं, साउंड चेंजेस लाने हैं, तो हमें एक पर्सन को पूरी अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तभी वो अपने कमांड इशू कर सके, उस कमांड को लॉ बनाया जा सके। नहीं तो फिर हम रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, एथिकल रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स तो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटेक्स्ट क्या था, क्यों जॉन ऑस्टिन ने एक ही पर्सन पे इतनी सारी पावर देने की बात करी, क्यों उन्होंने जो 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 सुपीरियर है उसके कमांड्स को ही लॉ माना है। तो अभी पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपकी, आई होप सो। मैं सक्सेसफुल रही होंगी जॉन ऑस्टिन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने में। तो अब इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, भाई इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन पावर दे रहे हैं एक पर्सन, एक अथॉरिटी में, तो ये तो उचित नहीं है। आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या पॉसिबल है क्या ये, जहाँ पर हम क्या बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, राइट? आज हम मॉडर्न स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये तो टायरनी या तानाशाह सिस्टम बन जाएगा अगर इस तरीके से तो होगा, राइट? तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द मोनिस्टिक थ्योरी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द जॉन ऑस्टिन थ्योरी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरेनिटी। ओके, क्योंकि कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, राइट? कंप्लीटली करेक्ट नहीं होती, वो उस कॉन्टेक्स्ट पे सही हो सकती है, लेकिन हो सकता है आज के कॉन्टेम्पररी टाइम पे ये सही ना हो, राइट? तो ये ज़रूरी है, तो इसीलिए क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को ही हमेशा पूछा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जॉन ऑस्टिन की या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरेनिटी में। तो सबसे पहली पॉइंट्स हम पहला ही गेस कर सकते हैं, इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो फोकस करते हैं कि ये जो सवरीन पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ये ऑब्सोल्यूट है, इस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसे भी किसी लॉ के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा इसे ही क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो क्या ये डिज़ायरेबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है कि हम स्टेट को अनलिमिटेड पावर दे दें, ऑब्सोल्यूट पावर दे दें? नहीं पॉसिबल है ना। तो लास्की इसके लिए एक स्टेटमेंट, यहाँ पे लास्की को यूज़ करना, आप लास्की के स्टेटमेंट को यूज़ करना अपने जस्टिफिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि लास्की कहते हैं कि सवरिन कभी भी अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती है, राइट? इसके बाद अगर इस तरीके की अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरीके से आप सेफगार्ड्स तो दे ही नहीं सकते हो ना, तो नो सवरिन हैज़ अनलिमिटेड पावर, क्योंकि सवरेन में भी तो सेफगार्ड लगाने ज़रूरी हैं, कंट्रोल लगाने ज़रूरी हैं, और ये कंट्रोल कहाँ से लगते हैं, ये लिमिटेशंस कहाँ से लगती हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लग सकती है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लग सकती है, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू हो सकती है, डिवीज़न ऑफ पावर के थ्रू हो सकती है, राइट? तो लास्की क्या कहते हैं कि कहीं जो कोई भी सवरेन पावर की जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं होती हैं, देयर आर सम सेफ गार्ड। जैसे इंडिया में क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है क्या वो ऑब्सोल्यूट हो सकती है?
नहीं, उस पर किस तरीके के लिमिटेशंस लगाए गए हैं? हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तहत जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक फंडामेंटल प्रोविजन के आधार पर ही गवर्नमेंट रन करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दे, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, लिमिटेशंस लगाई गई हैं अथॉरिटी पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड ये है, जो जॉन ऑस्टिन या मोनिस्टिक थ्योरी में कहा गया है कि जो कमांड्स हैं, ऑल कमांड्स ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी, दे आर सोर्स ऑफ लॉ। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि सुपीरियर अथॉरिटी के सभी कमांड्स को हम लॉ नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जो हमारे लॉ हैं बहुत हद तक प्रभावित होते हैं किससे, कि हमारे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, हमारे रिलीजियस नॉर्म्स क्या हैं, हमारी कस्टम्स क्या हैं, राइट, हमारे 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 जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी है उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है। तो हमारे लॉ बहुत हद तक उससे प्रभावित होते हैं, ना कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके आदेशों से, राइट। क्या पॉसिबल है प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सवरेनिटी? भाई इंडिया भी एक सवरेन कंट्री है, लेकिन क्या जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसके सभी कमांड लॉ बन जाते हैं? नहीं ना। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो फार्मर्स बिल लाए गए थे, राइट, उसको आपने देखा, वो सरकार, भारत सरकार बिल लेकर आती है, लेकिन क्या उनके कमांड्स, उनके आदेश क्या लॉ बन गए? नहीं पॉसिबल है ना। फार्मर्स को राइट्स है डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि भाई ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है, हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट में, और वो लॉ वापस ले लिया गया। तो जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग तो फिर तो मॉडर्न टाइम पे भी जो सरकार के आदेश होते वही लॉ बन जाते। तो नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट है, जो ये जो जॉन ऑस्टिन या मोनिस्टिक थ्योरी सपोर्ट करती है कि जो सवरेनिटी है दिस इज इनडिविजिबल, मतलब इसे अगर डिवाइड करोगे तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो सवरेनिटी रहेगी नहीं। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले जो आप देखोगे अभी, प्लूरलिस्ट थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, रे कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको भी ऑटोनॉमी होती है डिसीजंस लेने की। और जो ये ग्रुप, जो 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 पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो स्टेट की भी मेंबरशिप रखते हैं, और इन ग्रुप और जो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, उनके भी मेंबर्स होते हैं ना। आप देखोगे कि इंडिया में ही देख लो आप, हमारे अपने कास्ट के ग्रुप होते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हमारे धर्म के अपने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, राइट। तो अब इन सारे ग्रुप्स को भी तो कुछ ऑटोनॉमी होती है अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स के वेलफेयर के लिए, राइट। तो हम जो सब स्टेट, ये कहते हैं कि जो स्टेट है हो सकता है कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सोसाइटी का, राइट, और एक डोमिनेंट पोजीशन को इंजॉय कर रहा हो क्योंकि उसकी ज्यूरिडिक्शन लार्ज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है स्टेट के पास। ये बिल्कुल गलत है। समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट है कि हाँ, अब जो ये डिटर्मिनेट सुपीरियर, जो जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जॉन ऑस्टिन जिसे डिटर्मिनेट सुपीरियर कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी लॉ इसी डिटर्मिनेट सुपीरियर से निकलें। हमारे बहुत सारे लॉ, जैसे हमने देखा था कि हमारे कस्टम्स से आते हैं, हमारी जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी कम्युनिटी है, राइट, वहाँ से भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं, राइट, वो बहुत सारे पर्टिकुलर कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं कि उस कम्युनिटी में किस तरीके की प्रैक्टिसेस रही हैं। तो वो डाइवोर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो मैरिजेज रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो हमारी जो जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उससे प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से क्रिटिक्स कहते हैं कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है या जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है सवरेनिटी को, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन रियल टर्म्स, इन रियलिटी में हम इसे नहीं लागू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लागू करेंगे तो तानाशाह गवर्नमेंट बन जाएगी। एक और पॉइंट ऑफ व्यू अपने जस्टिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टी एच ग्रीन।
टीएच ग्रीन कहते हैं कि ये जो सिटीजन्स हैं, मेन इसमें बात होगी लॉ को ओबे करने के लिए। तो जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था कि लॉ क्या है, इस ये कमांड ऑफ सवरिन सुप्रीम पावर है, और उस सुप्रीम अथॉरिटी को हैबिचुअल ओबेडियंस मिलना चाहिए। ये बात हुई थी ना। तो टीएच ग्रीन कहते हैं कि जो लॉ को ओबे किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हैबिचुअल ओबेडियंस है, या हम फोर्स के वजह से यू इसको कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेट सुपीरियर ह्यूमन ने इसे इश्यू किया इसलिए हम इसे ओबे कर रहे हैं। नो, जो सिटीजन का हमारा सेल्फ कॉन्सियसनेस है, राइट, सही गलत रेशनैलिटी, वो हमें बनाता है कि हम लॉ को ओबे करें, क्योंकि ये कॉमन वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है। फिर से मैं एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स। तो टीएच ग्रीन के इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सारे इंडिविजुअल्स ट्रैफिक रूल्स का इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे सभी पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा है ना। जितने लोग रोड में ट्रेवल कर रहे हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, उस पर भी मैं भी हूँ, मेरी भी सेफ्टी इन्वॉल्व है। तो ये जो ओबेडियंस ऑफ लॉ कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करती है, और इसीलिए हम लॉस को ओबे करते हैं। ओके, सो ये कहते हैं टीएच ग्रीन कि ओबेडियंस ऑफ द लॉ के पीछे क्या कारण काम करता है, प्रमोशन ऑफ द कॉमन वेलफेयर, ना कि फियर ऑफ पेनाल्टीज। जबकि जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी में कि भाई हम लॉ को इसलिए ओबे कर रहे हैं कि उसके पीछे पेनाल्टी लगी हुई है, फियर है कि हमें हमें पनिशमेंट मिलेगा। जबकि टीएच ग्रीन कहते हैं नहीं, ये जो पेनाल्टी या पनिशमेंट के फियर की वजह से हम लॉ को नहीं प्रमो को फॉलो कर रहे हैं, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि देर इज़ अ प्रमोशन ऑफ कॉमन वेलफेयर, राइट। इसके बाद से नेक्स्ट कुछ और स्कॉलर्स को आप ज़रूर मेंशन करोगे, जैसे कि अमेरिकन फिलोसफर्स लाइक मेडिसन एंड हैमिल्टन, इन्होंने सवरेनिटी को क्रिटिसाइज़ किया है, जो मोनिस्टिक थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज़ किया है। और इनका मेन पॉइंट था क्रिटिसाइज़ करने का जो इनडिविजिबल इन नेचर जॉन ऑस्टिन ने सजेस्ट किया। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि थ्योरी जो जो सवरेनिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो मेडिसन एंड हैमिल्टन कहते हैं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे अमेरिका में हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, अमेरिका में क्या है, फेडरेशन है ना, फेडरल यूनियन को पावर है, वही उसी तरीके से आप देखोगे वहाँ के जो स्टेट है उनको भी पावर है। तो वहाँ पर जो सवरेनिटी है वो डिवाइडेड है किसके बीच में, जो फेडरल यूनियन है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ जो फेडरल यूनिट्स हैं, जो वहाँ के स्टेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, तो जो गवर्नर होता है वहाँ, उसको भी बहुत सारी पावर मिली हुई है। ऐसा अब जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ऐसा होता अगर, तो सारी पावर फेडरल यूनियन को ही मिल जाती, इन यूनिट्स को तो कुछ नहीं मिलता, सुप्रीम अथॉरिटी यही हो जाती। लेकिन अमेरिकन फिलोसोफर कहते हैं, जो मेडिसन एंड हैमिल्टन है, कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है कि जो अथॉरिटी है वो डिवाइडेड होती है। जैसे इंडिया में भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में पावर या अथॉरिटी डिवाइडेड होती है। 7th शेड्यूल, जिसमें सब्जेक्ट का डिवीज़न है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो सब्जेक्ट का डिवीज़न है ना यहाँ पर, ज्यूरिडिक्शन का डिवीज़न है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि सारी पावर भारत सरकार के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में मोनिस्टिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है उसको लिमिट किया जाता है बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स, जैसे कि लास्की ने कहा था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेगी। देन मॉडर्न टाइम पे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो एक तरीके की लिमिटेशन सेट करते हैं गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, राइट। इसके बाद से प्लूरलिस्ट फर्दर आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी को। एक लाइन बोलते हैं ये लोग कि जब सोसाइटी का नेचर फेडरल है, प्लूरल है, एक जैसे लोग नहीं हैं, एक जैसी कम्युनिटी नहीं है, एक जैसी लैंग्वेज नहीं है, तो देयर इज अ सो मच डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। अब भारत का ही केस ले लो आप,
कितनी सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, कितने सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, कितनी सारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं, राइट, कितना सारा मतलब डाइवर्सिटी है कल्चर के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, राइट, सोशल नॉर्म्स के आधार पर, बहुत सारे डाइवर्सिटी है. तो जब इस तरीके की सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर है, तो हम अथॉरिटी को कैसे मोनिस्टिक बना सकते हैं, कैसे हम अथॉरिटी को ऑब्सोल्यूट बना सकते हैं? तो ये कहते हैं कि स्टेट एक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में. सोसाइटी में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. तो समझ में आया कि इसे हम क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं. मुझे लगता है इतना क्रिटिसिज्म आप लिख दोगे तो मोर देन इनफ है. बट ट्रस्ट मी गाइज, ये नाम ज़रूर यूज़ करना, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे होगे तो ये नाम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. हमें देखो, क्रिटिसिज्म तो हम खुद भी लिख लेंगे कि हाँ भाई ये गलत है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन स्कॉलर्स के नाम यूज़ करने से आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होती है और आपका जो जस्टिफिकेशन होता है ना, वो स्ट्रेंथेन हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और इससे क्या है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. भाई हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी इन द टॉपर लिस्ट, और तो हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो टॉपर्स करते हैं, राइट. तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने नोट्स बनाओ, उनमें ये सारे नाम मेंशन करो. हर एक टॉपिक के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर मोनेस्टिक या ऑस्टिन की का थ्योरी पूछा जाएगा सवरेनिटी का, तो मेरे को ये स्कॉलर्स मेंशन करने हैं, उसमें ये स्टेटमेंट्स डालनी है मुझे, ये आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, राइट. तो आई होप सो कि जो मेरा एम था रेडी टू राइट कंटेंट प्रोवाइड करने का, आज वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है. अब मोर देन इनफ ये कंटेंट है आपके आंसर लिखने के लिए. फीडबैक कमेंट ज़रूर करना मुझे प्लीज़, कि आज का डिस्कशन है, लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या इसने हेल्प की आपको मोनिस्टिक थ्योरी या ऑस्टिन की थ्योरी को समझने में. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ओवर देयर, आई विल कॉन्टैक्ट टू यू, राइट. सो प्लीज़ डू इट, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मई चैनल गाइज, एंड जो नोटिफिकेशन का बेल है वो ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जो वीडियोज़ मेरे, जो मैं डेली 2 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ लेक्चर्स के, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा. हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरेनिटी डिटेल में, राइट. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.